वेलकम बैक टू कॉमेडी का डेली शो। खबर 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 दोस्तों, आम जिंदगी में हर आदमी कभी ना कभी ऐसा सोचता है कि अगर यूं होता तो क्या होता। खबर खबर ऐसा ही आजकल हमारे सुरेंद्र पाजी सोचते हैं कि अगर इस शो का एंकर मैं होता तो क्या होता। खबर 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 कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बंद हो गई ना आवाज है, बंद हो गई क्या? इधर क्या एडजस्टमेंट क्या कर रहा? ढंग से खड़ा तो हो, जो काम आता है वही करो। थबड़ 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 आओ ये लो। तो दोस्तों ये तो था मजाक, लेकिन मैं कई बार ऐसा सोचता हूं कि अगर ये होता तो क्या होता, वो होता तो क्या होता। अगर अपने भप्पी दा म्यूजिक डायरेक्टर ना होके अगर चाट बेचने वाले होते तो क्या होता। अपना हाथ दो इधर। अच्छा, अरे क्या बात है भप्पी दा, अगर आप कहते हो तो फिर मैं खा लेता, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलता होगा ना भपीदा? जब से वो दो कामिना लोग आया है हमारे लेफ्ट में, वो क्या नाम है उसका, प्रीतम, और राइट में, तब से हमारा बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं, इन लोगों ने वहां भी कॉपी करना नहीं छोड़ा। अब हम सोचता है कि एक ऐसा बिजनेस करेगा जिसका साला कोई नकल नहीं कर सकता। ऐसा बिजनेस कौन सा है भपीदा? हम सोचता है कि आप नकली नोट बनाएगा, जो पहले से नकली है उसका कौन नकल करेगा। क्या बात है, सुपर आइडिया भपीदा, ऑल द बेस्ट टू यू। क्या बात है, एक ठो गान गाए? नहीं नहीं गान नहीं, एक ठो गान, नहीं नहीं एक ठो गान, एक ठो गान। कॉमेडी का डेली शो, कॉमेडी का डेली शो, अभी जाच्छे। ये पहले एक्टर जिसने मेरे शो की प्रमोशन की है। अब सोचिए कि अगर यश खोपड़ा साहब फिल्में बनाने की बजाय अगर टीवी पे लोगों को प्रवचन देने का काम कर रहे होते तो क्या होता। नहीं, वो अपने भक्त जनों की समस्या समझते हैं, इसलिए उन्होंने प्रवचन ट्रांसलेट करने के लिए एक शिष्या भी रखी हुई है। हाँ, गुरु जी कह रहे हैं कि सभी दर्शकों को उनका प्रणाम। वो गुरु जी कह रहे कि हाँ, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू और गुजराती में कहते हैं हूँ तने प्रेम करू छु। गुरु जी कह रहे कि होठ रसीले तेरे, होठ रसीले। गुरुजी क्या कह रहे हैं, गुरुजी किससे कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आकर मुझे बताइए। अरे अरे, अब इन्हें कौन बताए कि यश जी की लैंग्वेज वाली डिक्शनरी अभी मार्केट में नहीं मिलती। एनीवेज सोचिए, अगर नाना पाटेकर साहब एक्टर ना होते और स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में कंडक्टर होते तो क्या होता। आइए देखते नाना पाटेकर किधर है, बताओ जल्दी। बे सवारी लोग, बस में ज्यादा मचमच करने का नहीं, ये बस अब सीधा कोल्हापुर ही जाएगी। और हाँ, सीट पे धम से बैठने का नहीं, पहले देखने का, सीढ़ी भरने का, यहाँ वहाँ देखने का, मन से डोबरमैन बनो, सूंघो, चलो उधर बम हो सकता है, बम 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 समझते हैं ना। इधर देख क्या लिखा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अरे फिर कोल्हापुर में नहीं, सीधा ऊपर की टिकट कटी। हाँ चले कृष्णा, बस निकल। दोस्तों मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, हाँ मैं भी सोचता हूँ
कि अगर मैं एक्टर ना होके पॉलिटिशियन होता तो क्या करता। सबसे पहले तो मैं सारे देश के लिए ये कॉमेडी का डेली सोप देखना कंपलसरी कर देता। नहीं नहीं, मैं अपने फायदे की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। लोग ये शो देखकर आप लोग हंसते हो ना, और हंसने से सेहत अच्छी होती है ना, और लोगों की सेहत अच्छी होगी तो देश खुशहाल होगा, है कि नहीं? है क्या? है। और ऐसे ही नेता की जरूरत है जो देश में आके खुशहाली ला सके। अरे काम करो, सुनो, जाओ बंदूक बंदूक लेके बाहर पहरा दो। एक मिनट, वहां पर पहन लेता हूँ। भाइयों और बहनों, सर हमारा 9 बजे का शो है, धोती नीचे रखिए, टोपी पहनो, आदब से बात करो। हम आपके क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे आने से पहले ये हमारी ही तारीफ, हमारी ही प्रशंसा कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो हमने ये सोचा है कि अपने इलेक्शन की कन्वेंसिंग के लिए हम तुमको लेके चलते हैं। चलो जरूर। अब पेमेंट का क्या होगा सर? 5 लाख। अच्छा, ये इलेक्शन के पहले देंगे या इलेक्शन के बाद में? बात सुन, हम देंगे नहीं, हम लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ सर, इलेक्शन विलेक्शन का चक्कर छोड़िए सर, आप कहाँ आप MLA MP बनेंगे, इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए हो सर। हाँ। आप क्या बोलते हैं, किसी रियलिटी शो में जाइए, कुछ मजे लीजिए। यार तुम तो यार बात में लगा दो, मेरा सेक्रेटरी रख लिया भैया। सेक्रेटरी? अरे माय गॉड, वो इतनी देर से जो आदमी वहाँ खड़ा है वो आपका सेक्रेटरी है? अरे जाइए, आपका इंतजार कर रहा है। जा रहे, मन में गाली दे रहा होगा। तो फिर एक ही चीज बची है, ये तुम कर जाओ, संगलम बांध जाएंगे तुमको। तुम ना किसी चैनल पे गो ग्रीन हमारा स्वयंवर करवा दो। स्वयंवर पता है? स्वयंवर शुरू होता है तो 6 महीने तक चलता है। बिल्कुल 6 महीने तक चल पाओगे? यार चैलेंज मत दिया करो हमको। अच्छा, तो फिर बताओ फिर हम करें क्या? फियर फैक्टर में चले जाओ। अबे वहां हम रखा काम यार। देखो हम उनसे बोलेंगे ये जो केकड़ा सांप बिच्छू ये सब हटाओ और बीच में इनको बैठा लो, फिर देखो। अब बहुत तुम बेहुदे आदमी हो यार। हाँ करें काम, ले आओ, मरेंगे एक तमाचा। बेटा सुनो, आते हो तो वेलकम और जाते हो तो सर। इतना हंसी खुशी वाला शो है सर, ये कहाँ मार पिटाई की बातें कर रहे हैं सर? हमारे शो पर आए आप, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराइए। नहीं हम मुस्कुराते रहते हैं यार, हम अंदर से मुस्कुरा रहे हैं। नहीं नहीं आप मुस्कुराइए ना एक बार। क्या बात है, देखो मुस्कुरा रहे हैं आप, अब गले लगी एक दूसरे से। प्यार से रमजान से पहले भी और रमजान के बाद भी लगेंगे। आ जाओ, जोरदार तालियां अनुपम जी और राजीव निगम के लिए। तो दोस्तों ये तो थी कॉमेडी की झाग, और अनुपम जी को आपने देखा कितनी सारी झाग लेकर आए थे वो। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।